दोस्तों, अगर आपने भी एक नया स्मार्टफोन खरीदा है या फिर आपने अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर का अकाउंट बनाना होता है। अगर दोस्तों आपको प्ले स्टोर का अकाउंट नहीं बनाना आता है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से हम प्ले स्टोर पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर हमें साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों प्ले स्टोर पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपका एक ओटीपी कोड आएगा, और सेकंड चीज आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम फर्स्ट टाइम प्ले स्टोर का अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि दोस्तों हम फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेकिंग इन्फो का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ईमेल और फ़ोन नंबर। अगर आपका पहले से ही प्ले स्टोर पर अकाउंट है तो आप इसमें ये डालेंगे। अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फॉर माई सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी डेट को लिख देना होगा, जो भी आपकी डेट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डेट डाल रहा हूँ। इसके बाद आपका जो भी मंथ है डेट ऑफ बर्थ का, वो आपको डाल देना होगा। इसके बाद आपका जो भी ईयर है, यानी कि आप जिस साल में पैदा हुए हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा। इसके बाद आपको जेंडर में मेल फीमेल जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फाइनली दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें दो तीन ईमेल आईडी दिखाई देंगी। तो दोस्तों याद रखिए, ये आपकी एक नई ईमेल आईडी भी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ ठीक दिखाई दे, आपको उस पर टिक कर देना है। अगर आप अपने तरीके से कुछ और ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो आप ये नीचे वाले पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो हमें दोस्तों ये फर्स्ट वाला ठीक लग रहा था, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमने अपना एक पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए हम एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डाल लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर भी जो हमने ऊपर डाला है वही नीचे डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर पासवर्ड को सेट कर दिया है, इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यस आई एम इन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो प्ले स्टोर का अकाउंट है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो जी मेल आई डी है वो यहाँ पर बन चुकी है, हमारा जो नया गूगल अकाउंट है वो भी बन चुका है। अब हमें एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे कि दोस्तों हम यहां पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर हमारा प्ले स्टोर का अकाउंट बहुत ही आराम से बन चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपना जीमेल अकाउंट या फिर गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही ईमेल आईडी है, तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको प्ले स्टोर पर उस आईडी से लॉगिन करना होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।